हम लोग होली से पहले 4 तारीख से ये एक वर्क शुरू कर किया था, जिसके अंदर हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती थी कि लगभग 3,500 हमारे पास फॉरनर थे और बाहर की पब्लिक आई हुई थी। फॉरनर्स के अंदर जो 12 देशों पर रोक थी उन लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। सबसे पहले हमने 11 तारीख तक एक ही काम किया कि जो इटली, चाइना और ये बैंडेड जो देश थे जिसमें पॉजिटिव केस आ रहे थे, उनको हमने सबको स्क्रीनिंग किया और उनसे हम जब फ्री हुए तब हमने जितने भी फॉरनर्स जिन होटलों में रह रहे थे सबकी स्क्रीनिंग करके उनको क्वारंटाइन किया, उनको पाबंद किया। हमारी SDM मैडम के थ्रू बिल्कुल आदेश निकले कि कोई भी होटल से बाहर नहीं घूमेगा। इसके पश्चात हमारी टीम जिसमें डॉक्टर अभिजीत सोनी, डॉक्टर ईश्वर, डॉक्टर राज प्रताप व मेरे सभी साथी जैसे कि सुरेश भागचंद और भी जो लोग थे, सबने इतनी ज़ोरदार वर्क किया कि इनको वार्ड वाइज, जिसमें हमारी सारी आशा और आंगनवाड़ी बहनों ने बहुत सहयोग किया कि 4-4 वार्ड हमने इन लोगों को दिए और एक एक घर की स्क्रीनिंग की। तत्पश्चात अब हमारे पास इतने डेटा हैं कि किस आदमी को जुकाम है और कौन 60 वर्ष से अधिक का जो आदमी है उसको डायबिटीज या ब्लड शुगर है, हमारे पास एक एक रिकॉर्ड अभी मौजूद है। और अब हमने जो आसपास का जो नगरपालिका क्षेत्र का था उसको करने के बाद में आसपास की जितनी कच्ची बस्तियाँ हैं उनका भी सर्वे कर डाला है और उनके अंदर कोई पुरानी बीमारी है तो उसके हम जाँच करते रहते हैं और समय पर दवाई दे रहे हैं। जैसे सावित्री पहाड़ी के नीचे एक प्रेग्नेंट महिला है, उसको हम एम्बुलेंस से यहाँ लेके आए, उसके खून की कमी थी, उसके 2 दिन तक हमने खून बनने के इंजेक्शन लगाए, कल उसके फिर डेट है, उसको बुलाया जाएगा। इसी तरह हमारे हॉस्पिटल के अंदर भी जो सेवा है वो 3 डॉक्टर, डॉक्टर कालरा, डॉक्टर सुधीर महेश्वरी, डॉक्टर अमित यादव, वो आउटडोर की सेवा दे रहे हैं और यहाँ 8 नर्सिंग कर्मचारी हैं और बाकी DDC पर 3 कर्मचारी हैं, वो किसी भी मरीज को बिना दवा के जाने नहीं दे रहे हैं। जबकि कोरोना से डरते हुए पूरे साधन अपनाते हुए उनके इंजेक्शन भी लगाए जा रहे हैं, पट्टी भी करी जा रही है। और मैं तो हमारे इन साथियों का जो मेरी एक आवाज़ पर कि अभी वहाँ जाना है, वहाँ से सूचना मिली है कि कोई बाहर का आया हुआ है, ये तुरंत लोग पहुँचते हैं, साथ में मैं भी पहुँचता हूँ। एक शेल्टर होम में जो 58 मरीज MP के रखे गए थे उनकी हमने सुबह शाम स्क्रीनिंग करी। इसी तरह जो यहाँ एक नाला में स्कूल है जिसमें हमने बंगालियों को यहाँ से शिफ्ट किया, जो रहे तो यहीं रहे थे लेकिन उनको अलग से शिफ्ट किया जिससे कि वो क्वारंटाइन रहें। और इसी तरह वैष्णव धर्मशाला में जितने भी जो साधु महात्मा खानाबदोश लोग जो बाहर रोड पर घूम रहे थे, जिससे हमको डर था कि इनसे कहीं कोरोना ना फैल जाए, तो SDM साहिबा और तहसीलदार साहब की मदद और इनके विचार लेते हुए हमने उनको सबको वैष्णव धर्मशाला के अंदर रखा हुआ है। वो एक शेल्टर हाउस नहीं है, बस यहीं के लोग हैं जिनके पास बाहर रोड पर रह रहे थे उनको हमने वैष्णव धर्मशाला में रखा है। और हमारा प्रयास यही रहता है कि कोई भी व्यक्ति सर्वे से ना छूटे, सबकी स्क्रीनिंग डेली हो जाए। हमारे पास स्क्रीनिंग की 2 मशीनें भी हैं, हॉस्पिटल में जो मरीज आ रहा है उसको सैनिटाइज करके ही अंदर भेजा जा रहा है। अब मैं यही कामना करता हूँ कि लोग बस ये ध्यान रखें कि किसी भी फालतू कारण या छोटे मोटे कारण की वजह से बाहर न घूमें, घर में रहें, स्वस्थ रहें। होता था लेकिन उस भय से था कि हमारे पुष्कर वासियों को कुछ नहीं होना चाहिए। इस भय को दूर करने के लिए हम उनकी दिन रात स्क्रीनिंग करते थे, बस में बैठाने से पहले भी उनकी स्क्रीनिंग करते थे और इसमें होटल वालों ने भी सहयोग दिया कि होटल पर हमने क्वारंटाइन के कागज़ लगाए तो उन्होंने उनको बाहर नहीं निकलने दिया। छुटपुट घटनाएँ होती हैं, कोई ना कोई बाहर निकल आता है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई कि जिससे फॉरनर बाहर घूमें, और इसमें होटल वालों का बहुत अच्छा सहयोग मिला हमको। आमजन का हमें काफ़ी सहयोग मिला, आमजन भी जागरूक है और सर्वे के दौरान हमें मौसम से रिलेटेड काफ़ी परेशानी आई है, किंतु जनता का सहयोग मिला, उससे हमें काफ़ी काम करने में आसानी हुई। फिर मैं और कहना चाहूँगा कि हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं राजकुमार, इंसाफ और विनोद, इन्होंने इतनी मेहनत से, इतनी लगन से उन 3,500 आदमियों की लिस्ट बनाई कि रात को 3-3 बजे तक बैठे रहते और डेटा हमने कलेक्टर तक पहुँचाया कि ये फॉरनर हमारे पास हैं और आज के तारीख में हमारे पास 335 फॉरनर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी अजय दलू एक्सप्रेस चैनल, मैं हूं शरद। स्वागत है आप सभी का करुणवीर कोरोना योद्धा सीरीज के स्पेशल एपिसोड्स में। पिछले एपिसोड्स में आपने पुष्कर पुलिस और पुलिस की सहयोगी टीम, पुलिस मित्र टीम के ऊपर विशेष एपिसोड्स को देखा है।
आज बात करते हैं उन योद्धाओं की जो सीएचसी पुष्कर यानी कि राजकीय चिकित्सालय पुष्कर से जुड़े हुए हैं और इनका योगदान और इनकी अगर बात नहीं करें तो ये सीरीज और ये एपिसोड्स अधूरे रहते हैं। लिए चलते हैं आपको हर तरीके से, जिस तरीके से सीएचसी पुष्कर के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, एक एक कर्मचारी ने इस कोरोना मुक्ति महायज्ञ में अपनी आहुतियां दी है और जिस तरीके से घर घर डोर टू डोर जाकर सर्वे किया है, उसी की ओर मैं आज का एपिसोड समर्पित करता हूं और लिए चलता हूं आपको आज के एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे सीएचसी पुष्कर और उससे जुड़े हुए कृतित्व का एक फ्लैशबैक।